वेलकम माय स्टूडेंट्स, ज्योग्राफी डॉक्टर पुरुषोत्तम यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, आज जिस टॉपिक की चर्चा हम लोग करेंगे वो हमारा है इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट, अंतर्राज्यीय नदी जल विवाद। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और वर्तमान समय में उत्तर भारत में तो अभी मुद्दा है, लेकिन अभी कोई चर्चा में इस तरह से मुद्दा नहीं है, लेकिन दक्षिण भारत में ये मुद्दा आज के समय में बहुत ही हॉट टॉपिक बना हुआ है। और इसके जो केंद्र में राज्य हैं वो है कर्नाटका, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। और इस मुद्दे की शुरुआत हो गई है अभी बजट जो प्रस्तुत किया गया है 23-24 बजट, उस बजट में जिस प्रकार से एलोकेशन कुछ किए गए हैं जिसकी वजह से दक्षिण भारत के तीन राज्य या आपस में एक दूसरे से झगड़ रहे हैं। और इसके केंद्र में है अपर भद्रा परियोजना, अपर भद्रा रिवर प्रोजेक्ट। तो आइए इसकी शुरुआत करें, इसमें क्या मुद्दा है। उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। तो आइए इसको देखते हैं अपर भद्रा प्रोजेक्ट के बारे में। पहले ये देख लेते हैं कि अपर भद्रा प्रोजेक्ट है कहां पर, इसके बाद हम बात करेंगे कि इंटर स्टेट रिवर जो डिस्प्यूट होते हैं उसके कारण क्या होते हैं और वर्तमान में इस मुद्दे का, अपर भद्रा प्रोजेक्ट का क्या मुख्य कारण है। ये आइए देखते हैं, ये दक्षिण भारत का मानचित्र है। दक्षिण भारत के मानचित्र में ये जो दिखाया गया है डॉक्टर लाइन के द्वारा, ये हमारा तेलंगाना राज्य है, ये इसको दिखाया गया आंध्र प्रदेश को, ये हमारा कर्नाटका राज्य है, ये तमिलनाडु है और ये केरला है। ठीक है, तो इसमें उसी ये जो रेड रंग से दिखाया गया हमारी महत्वपूर्ण नदियां हैं और उन्हीं नदियों को दिखाया गया है जिसको लेकर के वर्तमान समय में विवाद है, उसके अलावा किसी अन्य को दिखाया नहीं गया है। तो ये हमारी एक नदी है दक्षिण भारत की महत्वपूर्ण नदी, जिसे हम लोग बोल देते हैं गोदावरी नदी, दक्षिण भारत की सबसे बड़ी नदी है। गोदावरी नदी से आकर के मिल रही नदी जिसे हम लोग बोलते हैं प्राणहिता, गोदावरी नदी से प्राणहिता जहां पर मिलती है वहीं पर दक्षिण में एक बांध बनाया गया है। ठीक है, वहां पर इसको नाम दिया गया है कालेश्वरम प्रोजेक्ट। क्या है? कालेश्वरम प्रोजेक्ट। इस कालेश्वरम प्रोजेक्ट से सिंचाई परियोजनाएं संचालित की जाएगी और ये विश्व का सबसे बड़ा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट है। लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट का मतलब यहाँ पर पंपिंग के द्वारा जल को नॉर्थ से साउथ की तरफ स्थानांतरित किया गया, क्योंकि ये जो है ये जो बीच का भाग है तेलंगाना के ऊंचा है और ये नीचे, ये यहाँ जो है जो बेसिन है ये नीचे में है। ठीक है, तो यहां से जल को पंपिंग के द्वारा साउथ में ट्रांसफर किया जाएगा, तो ये कालेश्वरम प्रोजेक्ट। इसी प्रकार से गोदावरी नदी पर ही आंध्र प्रदेश में एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे लोग बोल देते हैं पोलावरम प्रोजेक्ट, पोलावरम प्रोजेक्ट। और इस पोलावरम प्रोजेक्ट से राइट की तरफ, लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ दोनों तरफ से केनाल निकाला गया है। जो राइट की तरफ से केनाल निकाला गया आकर के वो गोदावरी कृष्णा नदी में आकर के मिल जाता है। अब पोलावरम प्रोजेक्ट जो है ये काफी पुराना प्रोजेक्ट है, 1941 में ही इसका एक प्रपोजल तैयार किया गया था, हालांकि शुरुआत करने में देरी हो गई। आज तक ये जो पोलावरम प्रोजेक्ट है ये अभी तक पूरा नहीं हुआ है। ठीक है, तो कालेश्वरम हाल की योजना है, इसके बाद यहाँ पे पोलावरम हो गया आंध्र प्रदेश में। तीसरी जो परियोजना की जो चर्चा करनी है ये हमारी नदी हो गई कृष्णा रिवर, और कृष्णा रिवर से जाकर के मिलती है हमारी हो गई तुंगभद्रा नदी, ये हो गई तुंगभद्रा नदी और ये कृष्णा रिवर। और तुंगभद्रा नदी जो है भद्रा और तुंगा दो नदियों के मिलने से बनती है तुंगभद्रा। ठीक है, तो भद्रा की ऊपरी भाग में ही, जो भद्रा नदी है भद्रा के ऊपरी भाग में ही एक प्रोजेक्ट शुरू किया गया जिसे हम लोग बोल देते हैं अपर भद्रा प्रोजेक्ट। इसे क्या बोल देते हैं? अपर भद्रा प्रोजेक्ट। और इसी अपर भद्रा प्रोजेक्ट को लेकर के वर्तमान समय में इन तीन राज्यों के बीच आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और कर्नाटक के बीच विवाद उत्पन्न हो गया है। ठीक है, तो ये विवाद उत्पन्न हुआ है, इसके विवाद के केंद्र में क्या है इसके बारे में चर्चा करने से पहले मैं चाहता हूं कि भारत में जो नदियों के से संबंधित जो अंतर्राज्यीय नदियां हैं उनको लेकर के जो विवाद उत्पन्न होते हैं उन कारणों को देख लें और उन कारणों में से वर्तमान में इस विवाद के क्या कारण है तो मूल्यांकन करना हमारे लिए आसान हो जाएगा। तो आइए देखते हैं कि भारत में जो अंतर्राज्यीय इंटर स्टेट वाटर रिवर वाटर डिस्प्यूट है उसके क्या कारण है। देखिए, जब उत्तर भारत के जब हम जब इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट के बारे में बात करते हैं
इंटरस्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट के बारे में, तो उसके केस में पहला है वाटर रिसोर्स के है, दूसरा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट, दूसरा है अपर बेसिन वर्सेस लोअर बेसिन, और चौथा है एग्रीमेंट। इस मुख्य विवाद के कारण में यही है। अब इसमें होता क्या है, वाटर रिसोर्स जो नदी होते हैं, नदी के जल को विकसित करने की जिम्मेदारी जो होती है वो होती है स्टेट की। स्टेट लिस्ट जो होता है शेड्यूल 7 में जो स्टेट लिस्ट है, ठीक है, स्टेट लिस्ट का एंट्री 17 में चर्चा किया गया है कि किसी भी नदी का जो जल है उसके विकसित करने की जिम्मेदारी, उसको डेवलपमेंट करने की जिम्मेदारी किसकी होगी, स्टेट की होगी, ठीक है। और ये जो स्टेट की जिम्मेदारी, जो नदियां होती एक राज्य से दूसरे राज्य में जो प्रवाहित होती हैं, उनका बेसिन और उनकी लंबाई के आधार पर उनको डेवलपमेंट करने का तरीका विभिन्न राज्य जो है तय करते हैं अपने अनुसार, और यही से एक विवाद का मुद्दा उत्पन्न हो जाता है वाटर रिसोर्स के लेकर के। दूसरा है मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट जो है, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट 1948 से लेकर के 1967 तक मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट को लेकर के भारत में कोई मुद्दा नहीं था। इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट किसी प्रकार कोई मुद्दा नहीं था। मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में क्या होता है, इसमें एक तरफ क्या होते हैं कि एक से अधिक राज्य प्लस में सेंटर होता है, इसमें एक या एक से अधिक राज्य और सेंटर आपस में एग्रीमेंट करके मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट की शुरुआत करते हैं। तो 1948 से लेकर के 1967 तक इस तरह के मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट में कोई विवाद नहीं हुआ करता था, क्योंकि केंद्र में और राज्य में एक ही दल की सरकार हुआ करती थी, तो ऐसी स्थिति में कोई विवाद का मुद्दा नहीं बनता था। लेकिन जब भी 1967 के बाद विभिन्न राज्यों में केंद्र में अलग दल हुआ करते थे और राज्य में अलग दल की सरकार बनती थी, तो ऐसी स्थिति में क्षेत्रीय महत्वाकांक्षा क्षेत्रीय जो मांग थी वो उभर करके सामने आने लगी। उसमें से जल भी एक बहुत बड़ा मुद्दा था। जैसे कि 1948 से लेकर 1967 के बीच तमिलनाडु और कावेरी बेसिन को लेकर कोई विवाद नहीं था, उसी प्रकार से इंदिरा कैनाल को लेकर के राजस्थान पंजाब के बीच कोई विवाद नहीं था। लेकिन जब ही 1967 के बाद सत्ता परिवर्तन होता है, राज्यों में विभिन्न दलों की सरकार बनती है, ऐसी स्थिति में पंजाब और राजस्थान के बीच, तमिलनाडु और कर्नाटक के बीच विवाद शुरू हो जाते हैं। इसी प्रकार से अन्य राज्यों में भी इसी प्रकार से विवाद उत्पन्न हो जाते हैं। अब तो ये होगा मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। तीसरा है अपर बेसिन और लोअर बेसिन। होता क्या है कि जब कोई नदी अगर प्रवाहित हो रही है, इसके डायरेक्शन ये है, तो ये हमारा हो गया लोअर बेसिन, ये हो गया अपर बेसिन, ठीक है। तो होता क्या है कि जब यहां पर कोई अगर डैम बन रहा है, तो डैम के नीचे वाला ये हमारा क्या होगा लोअर, और ये हमारा हो गया अपर बेसिन, ये हो गया अपर, ये हमारा हो गया लोअर। अब जब यहां पर डैम बनाते हैं तो जो जलाशय बनता है, उस जलाशय के कारण अपर बेसिन का बहुत बड़ा एरिया क्या होता है, वो वाटर लॉगिंग बन जाता है, जल से आच्छादित हो जाता है। लेकिन यहां जो डैम बनता है उससे और इरिगेशन का लाभ इस अपर एरिया को नहीं मिलता, अपर एरिया के जो स्टेट होते हैं उनको नहीं मिलता है। इरिगेशन का लाभ किसको मिलता है, जो कि लोअर एरिया के जो स्टेट होते हैं उनको मिलता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि अपर स्टेट, अपर एरिया, अपर जो बेसिन है वहां जो स्टेट इसमें अवस्थित है, वो इस बात का विरोध करते हैं कि हम तो एक तो पर हमारा कि वाटर, हमारा जल के द्वारा एरिया भी कवर हो जा रहा है, इसके अलावा जो कृषि भूमि वो भी जल से पूरी तरह से प्रभावित हो जाती है, और इसका लाभ हमें कुछ नहीं मिल पाता है। पूरा का पूरा लाभ किसको मिलता है, लोअर बेसिन के राज्यों को मिलता है। इरिगेशन की सुविधा मिलती है, इरिगेशन की सुविधा मिलती है तो कृषि समृद्ध होती है, इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट होता है और उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ जाती है, लेकिन ये पीछे रह जाते हैं। तो ऐसी स्थिति में अपर और लोअर बेसिन में जो राज्य होते हैं उनके बीच द्वंद शुरू हो जाता है, विरोध शुरू हो जाता है, ठीक है। और इसके बाद जो है एग्रीमेंट, एक होता है एग्रीमेंट की बात है, जो समझौते होते हैं जब विभिन्न एक या एक से अधिक राज्यों के बीच किसी मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट के लिए जब एग्रीमेंट किया जाता है, तो उस एग्रीमेंट का पूरी तरह से पालन नहीं होता है। जैसे हम बात करते हैं दामोदर घाटी के बारे में, बात कर रहे थे दामोदर वैली रिवर प्रोजेक्ट के बारे में। दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट जब बनाया गया था, तो कहा गया था कि इस प्रोजेक्ट में एग्रीमेंट में ये था कि दामोदर रिवर वैली प्रोजेक्ट से बाढ़ से नियंत्रण बंगाल को मिलेगा, इसके साथ इरिगेशन की सुविधा भी बंगाल को मिलेगी, लेकिन इलेक्ट्रिसिटी की सुविधा जो है वो बिहार को मिलेगी, बिहार यानी बिहार और झारखंड को, झारखंड साथ में था। लेकिन हुआ इसके उल्टा,
बंगाल को बाढ़ से निजात मिला ही, इसके अलावा इरिगेशन की सुविधा भी मिली, इसके अलावा इलेक्ट्रिसिटी के भी, चूंकि हुगली औद्योगिक रीजन इंडस्ट्रियल रीजन जो था वो लोअर बेसिक में ही था, तो उसका इलेक्ट्रिसिटी का भी लाभ उसी को मिला। उसकी तुलना में संयुक्त बिहार को उसका लाभ नहीं मिल पाया। वो लाभ नहीं मिला तो सिर्फ एक जो टाटा के आसपास के इलाके थे, जमशेदपुर के आसपास के इलाके थे, इसी का तो एग्रीमेंट का। इसी प्रकार से जब हम अलमाटी बांध के बारे में बात करते हैं तो एग्रीमेंट किया गया था अलमाटी बांध के बारे में कुछ और, लेकिन जब बाद में अलमाटी बांध के बांध ऊंचाई जो है बढ़ा दी गई, इसका भी विरोध किया गया, लोअर बेसिन एडजस्टेड थे। अभी हाल फिलहाल में जो पुलावरा प्रोजेक्ट जो है, पुलावरा प्रोजेक्ट की हाइट जो एग्रीमेंट में जो है 150 फीट की बात की गई है, लेकिन इसको बढ़ा करके 170 फीट किया जा रहा है, जिसका के विरोध जो है तेलंगाना और छत्तीसगढ़ जैसे राज्यों के द्वारा किया जा रहा है। क्यों किया जा रहा है? क्योंकि उनका कुछ ज्यादा के ज्यादा इलाका क्या हो जाएगा, वो जलमग्न हो जाएगा। तो ये मूल कारण है विवाद के, वाटर रिसोर्स जल संसाधन के संदर्भ में, मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट और रिवर बेसिन लोअर बेसिन के बारे में और एग्रीमेंट को लेकर के। अब जो वर्तमान में मुद्दा है हमारा अपर भादरा प्रोजेक्ट को लेकर के, अब इसको थोड़ा सा हम लोग यहाँ पर आ जाते हैं। हम लोग चूंकि सारा लोकेशन समझ लिए कहाँ पर क्या है, ये सारे बैकग्राउंड तैयार हो गया। हुआ क्या कि जो बजट, केंद्रीय बजट 2023-24 है, उस केंद्रीय बजट 2023-24 में 5,300 करोड़ रुपया देने का प्रस्ताव किया गया है। किसको? अपर भादरा प्रोजेक्ट को। और ये कहा गया कि अपर भादरा प्रोजेक्ट जो है क्या है, सेंट्रल प्रोजेक्ट है। अब इस प्रोजेक्ट का ये घोषणा, ये पैसा दिया जाना और सेंट्रल प्रोजेक्ट घोषित किया जाना, ये दोनों जो है विवाद का कारण बन गया है आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और तेलंगाना के बीच। क्योंकि जो पोलावरम प्रोजेक्ट है, पोलावरम प्रोजेक्ट बहुत पुराना प्रोजेक्ट है, दशकों पुराना प्रोजेक्ट है, लेकिन अभी तक ये प्रोजेक्ट पूरा नहीं हुआ। ये भी केंद्रीय प्रोजेक्ट है, इसकी धनराशि सही प्रकार से, समुचित प्रकार से नहीं आवंटित की गई समय समय पर, जिसके कारण इसको दशकों से विलंब पड़ा हुआ, अभी तक पूरा नहीं हुआ है, जिसका कि जबरदस्त विरोध है आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा। इसी कारण से आंध्र प्रदेश सरकार द्वारा इसका अपर भद्रा प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। दूसरा कालेश्वरम प्रोजेक्ट को लेकर के भी तेलंगाना विरोध कर रहा है। कहा तेलंगाना का कहना है कि कालेश्वरम प्रोजेक्ट में जो धनराशि उपलब्ध हो जानी चाहिए केंद्रीय एजेंसियों के द्वारा, जो वित्त सुविधा उपलब्ध की जानी चाहिए थी, वो वित्त की सुविधा उपलब्ध नहीं कराई। ये स्टेट फंडिंग से है, लेकिन इसमें केंद्र एजेंसियां जो अपना पैसा लगा रही हैं, ऋण दे रही हैं, तो कालेश्वरम प्रोजेक्ट के लिए भी केंद्रीय एजेंसियां समय समय पर धन उपलब्ध नहीं करा रही हैं। तो न कालेश्वरम प्रोजेक्ट को पैसा समय समय मिल रहा, न पुलावरम को मिल रहा। ऐसी स्थिति में अपर भादरा प्रोजेक्ट को धनराशि का आवंटित किया जाना और केंद्रीय योजना घोषित करना, ये दोनों जो है मुद्दे जो है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश के लिए विरोध का आधार बने हैं। इसी वजह से कर्नाटक के अपर भादरा प्रोजेक्ट का विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा एक और कारण है विरोध का, इनका कहना है कि अगर अपर भादरा प्रोजेक्ट लागू किया जाता है तो ऐसी स्थिति में तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में जल संकट की समस्या उत्पन्न हो सकती है, क्योंकि ये नदियां जो है तुंगभद्रा कृष्णा मिलती है और एटलीस्ट जाकर के अंतिम में वो गोदावरी, ये बे ऑफ बंगाल में ही जाकर गिरती है तेलंगाना और आंध्र प्रदेश से होकर के। तो दो कारणों से अभी इस प्रोजेक्ट का विरोध किया जा रहा है। एक तो बजटीय आवंटन, बजट एलोकेशन, और दूसरा है वाटर इंटरप्शन को लेकर के, जल के में बाधा उत्पन्न को लेकर के। तो दो कारणों से, बजटीय एलोकेशन और वाटर इंटरप्शन को लेकर के, दोनों मुद्दों को लेकर के कर्नाटका, तेलंगाना एवं आंध्र प्रदेश के बीच अभी आज की तारीख में इंटर स्टेट रिवर वाटर डिस्प्यूट उत्पन्न हो गया है। और इसमें से ये जो चार कारण है हमारे लिए, ये हमेशा प्रासंगिक है। हाँ, इन चार कारणों में से दो कारण हमारे लिए वर्तमान में अपर भादरा प्रोजेक्ट के लिए ज्यादा जिम्मेदार है, वो है बजटीय एलोकेशन, दूसरा है बाधा, अब जल की बाधा युक्त सप्लाई, मतलब कि जल में बाधा उत्पन्न होना, ये दो कारण है। तो आप इसको देख लेंगे, कंटेम्पररी इशू है, प्रश्न पूछता भी है, ये भी हो सकता है प्रारंभिक परीक्षा में कालेश्वरम प्रोजेक्ट कहाँ पर है, तो तेलंगाना में है, पोलावरम प्रोजेक्ट कहाँ पर है,
तो आंध्र प्रदेश में है, दोनों किस पे है ये, तो गोदावरी नदी पर है। अपर भद्रा प्रोजेक्ट किस पे है, भद्रा में। अच्छा, अपर भद्रा प्रोजेक्ट जो है इसके परिणाम स्वरूप कर्नाटक के चार जिले पूरी तरह से लाभान्वित होंगे। ये हमारे हो जाते हैं चित्रदुर्ग और चिकमंगलूर, तुमकुर और एक और है दावणगेरे, चार है, चिकमंगलूर, चित्रदुर्ग, तुमकुर और दावणगेरे। इससे चार जिलों को बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है, इसको देख लेंगे। और प्रश्न आता भी है नदी जल विवाद, तो नदी जल विवाद क्या पृष्ठभूमि में इसको डालते हुए एग्जाम्पल देते हुए आप इसको प्रेजेंट कर दीजिए करेक्ट में, तो सफिशियंट हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। इसी प्रकार कॉमेंट आप कॉमेंट बॉक्स में जरूर लिखेंगे। थैंक यू।